So good morning, everybody. How are you all? No energy? I need some sound, some energy. How are you all? Fine? Oh, very good. Very good? Thoda aur zor se? Chaliye, lovely. So I'm a mother and child wellness consultant and brand consultant for Mom's Story. I'm also author. I've authored these two books, Birthing Naturally and Empowering You Beyond Birthing. So today I'm going to be talking about pregnancy wellness and birth preparation with you all. So सबसे पहले मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगी. आप में से कितने लोगों ने गर्भ संस्कार के बारे में सुना है? Lot of you, very good. So गर्भ संस्कार is educating your child through the womb. 9 months baby मम्मी के अंदर है. Right? You have the energy. The God is giving you energy, power to produce another human being. तो सोचो pregnancy में आपकी body के अंदर God कितनी power दे रहा है. You are receiving a lot of power from the Supreme, the God, the universe. So ये 9 months में हम उस power को, उस energy को baby में किस तरह से pass on कर रहे हैं, that is something that is in our hands. पॉजिटिव या नेगेटिव, बच्चे के लिए अच्छा या बुरा, ये मम्मी के हाथ में है. एंड ऑफ कोर्स मम्मी के साथ साथ पापा के हाथ में है. सो आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू डू इन टुडेज टाइम, स्पेशली कीपिंग टुडेज एरा इन आवर माइंड. जो आपकी बेबी को आपकी प्रेगनेंसी के जरिए ही ऐसी एजुकेशन देगा जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता है. योर वोम्ब, योर बम्प is your baby's first school. So hum kya kar sakte hain to help the baby, to give that positive energy to baby. The first thing, jab bachcha kisi bhi school mein jata hai, right, when the child starts learning in any school, chahe hindi hai, chahe english hai, chahe marathi hai, the school starts with lsrw, listening, speaking, reading and writing. तो हम प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए LSRW फॉलो करेंगे ताकि आपके बच्चे को आपके ज़रिए, आपकी वोम्ब के ज़रिए जो पावर आपको गॉड दे रहा है, वो 9 months के ज़रिए आप उस बच्चे को वो बेसिक और फर्स्ट एजुकेशन दे सके जो बच्चे की पूरी लाइफ बच्चे को हेल्प करेगा. सो फर्स्ट इज लिसनिंग. सो मम्मी क्या सुन रही है इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द बेबी. जो मम्मी सुन रही है वही बेबी सुन रहा है. सो आपको क्या सुनना है? लिसन टू ऑल द एनर्जी साउंड्स, द नेचर साउंड्स विच आर गोइंग टू मेक योर चाइल्ड, योर बेबी काम. आपको कैसा बेबी चाहिए? अग्रेसिव हाइपर बेबी चाहिए या शांत हैप्पी काम बेबी चाहिए? कैसा बेबी चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, किसने बोला? आपके अंदर भी कॉम्बिनेशन है. अच्छा ठीक है. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन टुडेज टाइम, kids are becoming very hyperactive, they are becoming very aggressive, angry, bahut rote hain, right? But mummy 9 months mein bacche ko andar se kaisa bana rahi hai, that also somewhere shapes the personality of the baby. So listen to calm music, soft music, specially nature sounds, jaise ki sound of bells, water waves. आप घर में विंड चाइम लगा सकते हैं. कितने लोगों ने घरों में विंड चाइम लगाया है प्रेगनेंसी में? सबके घरों में नहीं है. आज जाके आप एक विंड चाइम खरीदेंगे अपनी बालकनी में, खिड़की के पास, सो दैट व्हेन द विंड इज कमिंग इनटू योर हाउस द साउंड्स आर गोइंग टू गिव यू द साउंड ऑफ बेल्स. सेकेंड इज वाटर साउंड्स. कितने लोगों ने अपने घरों में वाटरफॉल लगाया है? आजकल टेबल पर रखने के लिए छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी आते हैं ना, इलेक्ट्रिक स्विच से वो ऑन होते हैं. तो जो वाटरफॉल का साउंड है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव एनर्जी, इट्स गोइंग टू गिव यू कामनेस, राइट? थर्ड इज बारिश की बूंदे. हाउ मेनी ऑफ यू लव लिसनिंग टू रेन साउंड, द रेन ड्रॉप्स? एवरी वन लाइक्स इट ना. इट्स वेरी कामिंग, गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. सो जब भी बारिश हो, क्लोज योर आईज, लिसन टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स. अदरवाइज ऑल्सो नाउअडेज यूट्यूब पे ये सब ट्रैक्स अवेलेबल हैं. You can easily listen to such sounds on YouTube 24 hours, right? Then chanting music. Any
मंत्रा इन द बैकग्राउंड दैट कैन प्ले फुल डे फुल नाइट. जो चैंटिंग म्यूजिक चलेगा बैकग्राउंड में, वहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है विच इज़ बींग पास्ड ऑन टू द बेबी. सो लिसन टू ऑल दिस काइंड ऑफ म्यूजिक विच विल हेल्प यू एंड योर बेबी. नाउ लिसनिंग टू योर हस्बैंड. अब बात करते हैं हम हस्बैंड की आवाज़ की, तो हस्बैंड से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी वाइफ से बात करें कामिंग वॉइस में बात करें, चिल्ला के बात नहीं करना, गुस्से में बात नहीं करना, बिकॉज आप भी जो बोल रहे हैं आपकी वाइफ तो सुन ही रही हैं, उसके साथ साथ आपका बेबी भी सुन रहा है. सो इफ़ यू वॉन्ट आवर बेबी टू बी काम, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ से एक कामिंग वॉइस में बात करें. सो नो गेटिंग एंग्री, नो फाइटिंग, नो शाउटिंग, नो यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स. जितना रिस्पेक्टफुली आप अपनी वाइफ से बात करेंगे उतना रिस्पेक्ट आप बेबी में भी पास ऑन कर रहे हैं. नाउ सेकेंड इज स्पीकिंग. अब मम्मी को क्या बोलना है प्रेगनेंसी में विच विल हेल्प द बेबी. सो आप भी अपने हस्बैंड से प्यार से बात करें, चिल्लाएं नहीं, गुस्सा ना हो, गिव रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड. मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स में कभी कभी गुस्सा भी आता है, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ एज काम एज पॉसिबल. तो आपकी भी जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो बेबी कहीं ना कहीं सुन रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो ट्राई टू स्पीक टू द बेबी, बेबी से बातें करें. Because baby will, the first voice that the baby will recognize after birth is the voice of the mother. तो आप अपने baby से daily basis पे कितने लोग यहाँ पे बात करते हैं? How many of you? सब लोगों के हाथ नहीं दिखाई दे रहे. It means a lot of you are still not speaking to the baby. So speak to your baby every day. एंड आप जनरल कम्युनिकेशन भी जब आप घर वालों से, फ्रेंड्स से, किसी से भी करें, इंक्लूड योर बेबी इन योर कम्युनिकेशन. मुझे और बेबी को भूख लगी है, मुझे और बेबी को डॉक्टर के पास जाना है, मुझे और बेबी को खाना खाना है. सो स्टार्ट इंक्लूडिंग योर बेबी इन योर कॉन्वर्सेशन बिकॉज योर बेबी इज़ लिसनिंग टू यू. अब डैडीज़ की बात करें तो क्या डैडीज़ सिर्फ सिंगल? डैडीज़ यू ऑल्सो प्लीज़ इंक्लूड द बेबी इन योर कॉन्वर्सेशन सो दैट द बेबी, बिकॉज बेबी इज़ लिसनिंग टू यू, बेबी इज़ लिसनिंग टू यू. तो अगर आप भी बोलेंगे कि मुझे और बेबी को ऑफिस जाना है, देन द बेबी विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड होके पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के नहीं जा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं मुझे साथ ले जाने की, राइट? सो फॉर फादर्स ऑल्सो प्लीज़ इंक्लूड बेबी इन योर कॉन्वर्सेशन, इन योर कम्युनिकेशन. आप घर वालों से, फ्रेंड से कुछ भी बात करें, सो स्टार्ट इंक्लूडिंग योर बेबी इन योर कॉन्वर्सेशन. थर्ड चीज़ पे आते हैं, LSRW. थर्ड इज रीडिंग. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग इन प्रेगनेंसी? अगेन I don't see too many hands here. So reading books is a superb way to stimulate your baby's brain. अभी हमने आपको starting में एक word game sheet दी थी. क्यों दी थी? To stimulate your brain. क्योंकि जब आपका brain stimulate होगा, आपका baby का brain stimulate होगा. And we want babies to have a sharp brain, sharp mind, intelligent babies चाहिए. So do a lot of reading. Read about parenting. Because baby deliver होने के बाद आपको time नहीं मिलेगा. अभी से ही आप पेरेंटिंग के बारे में जितना सीखेंगे, यू विल लर्न मोर, यू विल गेन मोर नॉलेज. यू नो इन अर्लियर डेज वी यूज़ टू हैव जॉइंट फैमिलीज, दादी नानी सब आसपास होते थे तो गाइडेंस मिलता था. आज के टाइम में साइंस चेंज हो गई है, दादी नानी जो बोलती है डॉक्टर बोलेंगे वो नहीं करना है. सो यू नीड टू नो वॉट इज़ लेटेस्ट. सो ट्राई टू रीड बुक्स ऑन पेरेंटिंग, बेबी केयर, प्रेगनेंसी. हमने आप सबको एक बुक भी दी है, सो आप वो पढ़ें. एंड ऑल्सो ट्राई रीडिंग सम रिलीजियस बुक्स. यू विल सी पुराने ज़माने में यू नो जो दादी नानी थी या सास थी वो बुक दे के बच्चे के लिए बहू को बोलती थी कि आपको ये रिलीजियस बुक पढ़ना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हिंदूज को गीता पढ़ने को बोलते हैं. आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं ट्राई टू रीड दोज रिलीजियस बुक्स बिकॉज उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं दोज वर्ड्स इन दैट बुक हैव अ लॉट ऑफ पावर. और वो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें जो लिखा है वो याद करो. जब आप वो वर्ड्स पढ़ेंगे आप उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर अपनी बॉडी में लाएंगे. यू विल अब्सॉर्ब लॉट ऑफ गुड हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी एंड वी वांट दैट एनर्जी टू गो टू द बेबी. सो रीड स्पिरिचुअल बुक्स, योर रिलीजियस बुक्स एंड वॉट एवर रीडिंग यू कैन डू. ओके, लास्ट इज राइटिंग. अभी राइटिंग के लिए वी नॉर्मली रिकमेंड प्रेगनेंट मॉमीज टू राइट अ जर्नल, योर प्रेगनेंसी जर्नल. आप प्रेगनेंसी में अपने सारे इमोशंस को पेन डाउन कीजिए, एक डायरी बनाइए और उसमें अपना डेली इमोशंस राइट करें. हैप्पी इमोशन, सैड इमोशन, एंग्री इमोशन, एक्साइटमेंट, जो भी इमोशन है पेन इट डाउन इन अ जर्नल. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ.
तो कई बारी मदर्स को प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, तो वो ना हो उसके लिए भी जर्नलिंग इज़ वेरी गुड एज ए मेंटल थेरेपी. सो आप अगर ये चार चीज़ें करेंगे, यू विल हेल्प योर बेबी गेट स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एंड एजुकेशन थ्रू द प्रेगनेंसी, थ्रू द बम्प, विच इज़ आर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ गर्भ संस्कार, दैट वी वॉन्ट टू गिव दैट संस्कार टू द बेबी इन प्रेगनेंसी, ताकि आगे चल के भी बेबी वो वैल्यूज़ अपने लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करें. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कम्स योर प्रेगनेंसी लाइफ स्टाइल. आज के ज़माने में हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे अच्छा लाइफ स्टाइल आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, बढ़िया, सुपर्ब एकदम? हाउ मेनी? एक, दो? नॉट बैड. आप ऐसा क्या करते हैं प्लीज़ सबको बताइए कि आपको लगता है आपका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है. सो नॉर्मली इन टूडेज टाइम वी ऑल हैव अ वेरी बैड लाइफ स्टाइल, एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेज इतनी सारी हो रही हैं, हाइपर टेंशन, डायबिटीज, यू नो द कार्डियक इशूज आर हैपनिंग. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कंट्रोल आर लाइफ स्टाइल इन अ वेरी हेल्दी मैनर एंड अगेन पास इट ऑन टू द बेबी. क्योंकि आप जो लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, आपका बेबी आपसे वही लाइफस्टाइल सीख रहा है. और आगे वाले ज़माने में, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय एआई. एक स्पॉट पे बैठे बैठे वर्बल कमांड्स देके पूरा घर, पूरा ऑफिस जो है, वी विल बी एबल टू कंट्रोल दैट, राइट? बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी 10 years, 20 years लेटर. सो हाउ डू वी पास ऑन अ गुड लाइफस्टाइल टू द बेबी इन प्रेगनेंसी? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन. बच्चे को बाद में स्कूल जाना है, डिसिप्लिन चाहिए. पढ़ाई में डिसिप्लिन चाहिए. आगे चल के जॉब करना है, करियर है, एम्बिशंस है, ड्रीम्स हैं, डिसिप्लिन चाहिए. तो आप अपनी प्रेगनेंसी में कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, वही डिसिप्लिन आपका बेबी आपसे सीख रहा है. सो बी डिसिप्लिनड विद योर रूटीन. मेडिकेशन लेना है, टाइम पर लेना है. डॉक्टर विजिट करना है, टाइम से करना है, मिस नहीं करना है. टेस्ट कराने हैं, टाइम से कराने हैं. सो ट्राई टू फॉलो डिसिप्लिन रूटीन इन योर प्रेगनेंसी. सेकेंड इज कंसिस्टेंसी. आप में से कितने लोग, कई बारी ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, हम लाइफ में कई बारी गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है छोड़ो नहीं हो रहा है, लीव इट. एंड अनफॉर्चुनेटली आज की जो जनरेशन है वो भी ऐसी ही है, दे गिव अप वेरी इजीली. यू विल सी देयर आर अ लॉट ऑफ सुसाइडल रेट्स इंक्रीजिंग इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज दीज किड्स, दे गिव अप वेरी इजीली. We want to increase the consistency in our life कि हमने कुछ भी हो जाए लाइफ में गिव अप नहीं करना है. सो इवन इन योर प्रेगनेंसी ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद एनी थिंग दैट यू आर डूइंग. जो भी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करेंगे, राइट? थर्ड इज़ योर फिटनेस. आपका एक्सरसाइज रूटीन कैसा है? कुछ भी हो जाए हमने रोज़ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है. 30 minutes हमारा एक्सरसाइज, 30 minutes हमारा वॉकिंग. अनलेस एंड अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने मना किया है, अदरवाइज वी हैव टू मेंटेन आर फिटनेस रूटीन एवरी डे सो दैट योर बेबी ऑल्सो लर्न्स टू बी फिट इन लाइफ. नेक्स्ट इज़ योर ईटिंग हैबिट्स. कितनी मम्मीज आजकल डॉक्टर्स के पास जा जा के कहती हैं मेरा बच्चा फसी ईटर है, खाता नहीं है, हेल्दी खाना नहीं खाता, जंक फूड खाता है. अभी बताइए, अगर हम उस मम्मी से पूछें कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाया था, तो मम्मी का भी जवाब यही होगा कि मैं मेजॉरिटी खाना बाहर से ही मंगा के खाती थी. सो व्हाट योर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यू आर फॉलोइंग इन योर प्रेगनेंसी, योर बेबी विल लर्न. सो ट्राई टू हैव होम कुक्ड फूड, फ्रेश फूड, हेल्दी फूड्स. खाने का टाइमिंग फिक्स्ड होना चाहिए, हमने स्किप नहीं करना है अपना खाना, लेट नहीं होना है, और फैमिली को एक साथ बैठ के खाना है. हमने टीवी देखते हुए, मोबाइल पे लगे हुए खाना नहीं खाना है. दिस समथिंग कॉल्ड माइंडफुलनेस. आप जो चीज़ कर रहे हैं अपना माइंड 100% उसमें लगाइए, डोंट लेट इट गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो माइंडफुलनेस वाइल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज एन ईटिंग हैबिट. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका बेबी आगे प्रैक्टिस करेगा, राइट? And last is your happiness, your emotional quotient, your happiness quotient. कई बारी हमें ऐसा लगता है, even in marriages and relationships, pregnancy में बहुत बारी mood swings की वजह से झगड़े होते हैं couples में, there's no doubt about it. कितने लोगों के यहाँ पे pregnancy में झगड़े होते हैं? ओके, सो मूड स्विंग्स होता है. कई बार हम अपना गुस्सा हस्बैंड पे निकाल देते हैं, फिर हस्बैंड को भी लगता है अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ाएं. हाउ? You yourself are responsible for your happiness. सबसे पहला तो हमें अपनी खुशी के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है. हमारे हस्बैंड का काम नहीं है हमें खुश रखना, हमारा खुद का काम है हमें खुश रखना. आप खुद खुश रखेंगे अपने आप को, तभी आप अपने बेबी को खुश रख पाएंगे. सो इंक्रीज योर हैप्पीनेस क्वोशेंट. डू थिंग्स दैट विल मेक यू हैप्पी, विच विल स्टिमुलेट योर हैप्पी हारमोन्स, लाइक ड्रेसिंग अप, अच्छे कपड़े पहनना,
मेकअप करना, राइट, फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, दो चार सेल्फीज खींचना, फ्रेंड से बात करना, घूमने जाना, शॉपिंग करना, पार्लर जाना, ये सब चीज़ें करने से हमें अच्छा लगता है. सो स्टिमुलेट योर हैप्पी हार्मोन्स, इंक्रीज योर हैप्पीनेस कोशेंट इन योर प्रेगनेंसी. सेम विद योर इमोशनल कोशेंट, EQ. हम इमोशनली अपने आप को कहाँ फील करते हैं? आर वी स्ट्रॉन्ग इन आवर इमोशंस? कैन वी टेक कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस? या हम नहीं कर सकते हैं? बिकॉज मोस्टली प्रेगनेंसी में इमोशनल कोशेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस होता है. हमें पता नहीं हम क्यों रो रहे हैं, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में. सो ट्राई टू एलिवेट योर EQ. एम्पथाइज विद पीपल अराउंड यू. आपके आसपास किसी और को बुरा लग रहा है, देन यू कैन एम्पथाइज विद देम कि क्या हो गया, क्यों बुरा लग रहा है. हमने ऐसा नहीं बनना है कि हमारे आसपास कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता. प्लीज़ डोंट बिकम लाइक दैट, बिकॉज वी वॉन्ट बेबी ऑल्सो टू हैव अ गुड इमोशनल कोशेंट एंड एम्पथी कोशेंट फॉर अदर पीपल अराउंड. एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ट्रैवल? येस, एवरी वन लव्स टू ट्रैवल. सो प्रेगनेंसी में गो फॉर योर बेबी मून. जैसे हनीमून होता है, ऐसी प्रेगनेंसी में बेबी मून होता है. यू टेक योर बेबी विद यू इन प्रेगनेंसी एंड गो ट्रैवल समवेयर. टॉक टू योर डॉक्टर, टेक परमिशन कि कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेगनेंसी. बट डू अ बेबी मून इन प्रेगनेंसी बिकॉज यू विल फील वेरी हैप्पी एंड योर बेबी विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी. योर बेबी इज लर्निंग टू ट्रैवल, राइट. एंड लास्ट विल बी मेकिंग मेमरीज. ये जो 9 महीने की जर्नी है, ये अपने आप में एक मेमरी है. जब बेबी पैदा हो जाएगा, आप देखेंगे इतनी जल्दी जल्दी बेबी बड़ा भी हो जाएगा, फिर बाद में याद करें, अरे यार इससे अच्छी तो प्रेगनेंसी थी. 9 महीने था, बेबी को संभालना पालना इज़ अ लॉन्ग जर्नी. सो मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन योर प्रेगनेंसी. गोद भराई सेरेमनी, बेबी शार, मटर्निटी फोटोशूट, बेबी मून, डू एवरी थिंग दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ मेमोरी इन योर प्रेगनेंसी. So my advice to all of you is enjoy every moment of your pregnancy, but at the same time don't forget that you carry a responsibility of teaching your baby, teaching values, teaching a healthy lifestyle and preparing yourself. ये एक ट्रांजिशन स्टेज है. ये टाइम आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू चेंज योर ओन लाइफस्टाइल. इसी बहाने आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, विच देन यू कैन फॉलो लेटर ऑन ऑल्सो. एंड किड्स आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स. बच्चे आगे चल के वही करते हैं जो वो माँ बाप को करता हुआ देखते हैं. सो वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू आर सेटिंग एट होम, योर किड्स आर गोइंग टू लर्न दैट ओनली लेटर ऑन. तो अभी से ही आप अपने लाइफस्टाइल को जो चेंज करेंगे, आगे चल के आपके बच्चे भी आपको देखते देखते वही लाइफस्टाइल आगे कंटिन्यू करेंगे. सो माई लास्ट सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज, जो भी आज सुना उसको फॉलो करें और उसके साथ साथ ही आप एक दूसरे से भी बहुत सारा प्यार करें. बिकॉज यू हैव टू एक्सचेंज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ अफेक्शन विद ईच अदर ऑल द टाइम, बिकॉज योर बेबी इज़ गोइंग टू रिसीव दैट. द बेबी इज़ गोइंग टू फील दैट एंड रिसीव दैट फ्रॉम यू एंड योर हस्बैंड, योर पार्टनर. सो पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वाइफ का खास ध्यान रखें इन प्रेगनेंसी, बेबी का खास ध्यान रखें और हर एक प्रेगनेंसी की जर्नी को एक दूसरे के साथ मिल के निकालें. इट्स नॉट ओनली द वुमन हु इज़ प्रेगनेंट, इट्स द कपल हु इज़ प्रेगनेंट, राइट. थैंक यू सो मच.